तुझे ये नहीं मालूम कि सिंगल द्वीप राजधानी सात समंदर के टापों के बीच में बसी वो बंसाली राजा महाराजा सहसनाग उसकी बात करता है तू जी आपकी तो है विकटवार जादू की बेटा वहां है विकटवार इस दिल से निकलती नहीं जिधर देखता हूं उसकी तस्वीर नजर आती और ये आगे हमारे राहुल कुमार गौतम सराय अहमद सराय अहमद हमारे राहुल कुमार गौतम जी 10 रुपए भाई हमारे इंदल के काम पर और 10 रुपए उदयराज के काम पर आए हैं 20 रुपए हगन को मिला है हमारी तरफ से राहुल भैया को और सराय अहमद को बहुत बहुत शुक्रिया वो चांदनी लेकिन हमने किस बेवफा से प्यार किया है चाचा आहा खाऊं मछूं तुम्हारे कदम उससे मिलने की दिल में लगी चाचा जी घर से शादी मेरी ना हुई अपनी अब जिंदगी में दिल से हटा ख्याल दे अरे चार शादी करा दी बहुत ही ये प्यार मोहब्बत पागल कर देता है वाकई में इधर सदा खुश रहो
प्रसन्न रहो। न जाने क्या बात है, अभी देवर जी मेरे बेटे को जगा करके वापस नहीं आए। बड़ी देर से मैं इंतजार करूं कि इकट्ठा बैठ करके भोजन करेंगे। आते होंगे। मैं सच कह रहा हूँ, चल करके देख लो, आओ मेरे साथ चलो। मिले न फूल तो का तो से दो रखा है। अरे तू एक राजकुमार है, राजकुमार तेरी कुछ अहमियत है? ये तुझे क्या हो गया? मुख पे जर्दी छा रही और होट रहे पपरा और पुत्र तुझे अब क्या हो गया, दे हमको बच पुत्र तुझे क्या अब हो गया, दे हमको बतला। दिल का
सचिदा मुनि मुझ पर उर्वशी ससीलम भासी तुम्हारा दिल बेकरार है। सिंगल द्वीप की रहने वाली राजकुमारी पद्मावती, महाराज सहस्त्रनाग की बेटी, मुझे कच्ची नींद से जगाकर मुझसे प्यार भरी बातें की और यहां तक हम दोनों ने एक ऐसी बाजी हुई। राजकुमारी पंसासार मुझसे हार गई। उसके बाद हमारी तीन भावरे भी पड़ी। चौथी भावर से उसने इनकार कर दिया और मुझे एक कसम दे दी कि अगर से आप वीर पुरुष हैं, मैं नारी होकर तुम्हारे मुंह पे नजर आई। अगर से आप की भुजाओं में ताकत है, आप हकीकत में मुझसे प्यार करते मुझे चाहते हैं, तो मेरे सिंगल द्वीप आए और मेरे पिता से जंग करें। उसके बाद हमारे फेरे पड़ेंगे, तब हमारी भावरे होंगी। माँ, हमने उसे बचन दे दिया। माँ, ना जाने उसने हम मुझ पर क्या किया है। चुप रहो। हाय सिंगल दीप महीप विदित बलधारी, मानी है बेटा बड़े बड़ों ने हारी। चाहे मर जाओ रगड़ के मात, ब्याह नहीं कर पाओगे तुम लेखा पद्मी न साथ। जाऊंगा भैया। क्या तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है? जाऊंगा। तू जरूर जाएगा। जाऊंगा सिंगली दीप राज
मेरा बेटा सच में पागल हो गया है, मुझे धक्का दे करके वो चला गया। हम भी परेशान हैं, क्या करें, उसे किसी को समझाया तो मानता ही नहीं। अब ये बात हम दादाजी से तो नहीं बतलाना चाहते थे, हाँ तो, लेकिन उन्हें जरूर बतलाएंगे ताकि ये इंदल बड़े भैया ही से मानेगा। सच कह रहे हो, मैं दरबार जाता हूँ, उसे जल्दी से समझाओ। रूपन, क्या बात है? क्या बताएं भैया, इंदल पागल हो गया। हाँ भैया, नहीं सही है। उधर आज अबे गाना गा दे। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? उधर गाना गा दे थोड़ा। चलो चलो। क्या बात है उदयराज, ऐसा क्या हुआ जो तुम लोग परेशान नजर आ रहे हो? भैया क्या बताएं, आखिर हुआ क्या है? बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया है? इंदर राजकुमार की हालत देखेंगे आप तो खुद सोच में पड़ जाएंगे। हालत? हाँ। कैसी हालत है उसके, कहाँ है वो? मेरा बेटा वो महलों में ऐसे पड़ा है, क्या बताएं, चल करके देख लीजिए आप। उदयराज ऐसा क्यों, कैसे क्या हो गया उसको? कोई लेखा पद्म नाम की लड़की उसने ऐसा जादू कर दिया है कि वो उसी के याद में पागल है। आओ मेरे साथ चलकर देखते हैं उसे कहाँ है वो। आओ अब